मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 2008 में आई द हाइव मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स आसमान से किसी चमकती हुई चीज को अर्थ पर गिरता हुआ देखते हैं। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हम व्यूअर्स एक लेडी को देखते हैं जो कि किचन में खाना बना रही होती है। अचानक से उस लेडी का बेबी रोने लगता है। वो लेडी अपने बेबी के पास जाकर देखती है तो बेबी पर कई सारी चींटियां चढ़ी हुई हैं जो बच्चे को काट रही हैं कि तभी एकदम से पेड़ों पर बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और मानो चींटियों की बारिश होने लगती है। ये देखकर वो लेडी अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन इतने में उस लेडी पर बहुत सारी चींटियां अटैक कर देती हैं और उस लेडी को खा जाती हैं। फिर वो चींटियां उस नन्हे बेबी पर भी अटैक कर देती हैं और यहां से सीन कट होता है। फिर दिखाते हैं कि एक आइलैंड पर एक रात में ही चींटियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चींटियों ने आतंक मचा दिया है। जो भी उनके रास्ते में आता है वो उनको चिपट जाती हैं और मार देती हैं, जिस वजह से यहां के लोगों में दहशत आ गई है और इस आइलैंड को छोड़कर जा रहे हैं। फिर एक डॉक्टर जिनका नाम क्लेयर है, जो कि एंट एक्सपर्ट है, उनके इंटरव्यू को टीवी पर दिखाते हैं। वो बताती हैं कि चींटियां किसी चीज की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। वो तभी अटैक करती हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। इसके बाद के सीन में लेन अपनी टीम रेडी करता है और ये लोग उस आइलैंड में फंसे लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे उस आइलैंड में पहुंचकर मिलिट्री की मदद से ये लोगों को वहां से निकाल रहे होते हैं और चींटियां इनके पीछे ही पड़ी होती हैं। वहीं मिलिट्री फायर गन से चींटियों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन चींटियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि मिलिट्री भी वहां से भाग जाती है। फिर इन्हें एक आइडिया आता है और ये उस जगह के चारों ओर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, जिससे ये चींटियों को कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं और लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसके बाद लेन और उसकी टीम कमांडर चेंग के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां चेंग उन्हें बताता है 2001 के बाद से चींटियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। चींटियां दिन बे दिन बहुत एग्रेसिव और इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कई सारे तरीके सीख लिए हैं लड़ाई करने के। इसके बाद लेन और उसकी टीम तैयार होती है। वो एक खास तरह का सूट पहनते हैं जिसे चींटियां आसानी से भेद नहीं सकती थी। साथ ही चींटियों को मारने के लिए उनके पास स्पेशल वेपन भी होते हैं। वही लेली कंप्यूटर की मदद से इनकी हर एक स्थिति को रिकॉर्ड कर रही होती है, जिससे कि ये अगर मुसीबत में हो तो बैकअप भेजकर इनकी मदद की जा सके। इसके बाद ये दो टीमों में डिवाइड होकर अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। लेन और बेल एक साथ नॉर्थ की तरफ जाते हैं और चार्ल्स की टीम जाती है माउंटेन्स की तरफ। ये वहां पहुंचकर चींटियों का सफाया करने लगते हैं। वहीं लेन जब जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो लेली कैमरे में एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर नोटिस करती है, लेकिन इससे पहले वो लेन को बता पाती इनका आपस में संपर्क टूट जाता है। वहीं लेन जंगल में आगे बढ़ने लगता है तभी उसे टेंटिकल्स की शेप में एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि चींटियों का बना होता है। बेल उन पर अटैक करने को कहता है, लेकिन लेन मना कर देता है और ये उन टेंटिकल्स का पीछा करने लगते हैं। वो टेंटिकल्स बार बार अलग शेप लेकर इन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी बेल ये देखता है कि पेड़ पर चींटियों का एक झुंड है जो एकदम से इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब चींटियां बेल के शूट को फाड़कर शूट के अंदर घुसने लगती हैं। तभी लेन अपनी खास गन से चींटियों पर अटैक करके उन्हें मार देता है, लेकिन एक चींटी बच जाती है और वो बेल के कान से होते हुए उसके ब्रेन में घुस जाती है। वो उसके दिमाग में काट लेती है और बेल अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन जल्दी ही वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ये जान बचाकर वहां से बेस कैंप में आ जाते हैं। वहीं लेली और लेन जब उस फुटेज को चेक करने की कोशिश करते हैं तब वो फुटेज उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि संपर्क टूट जाने की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। फिर बेल को दिखाते हैं जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे विजन्स आ रहे होते हैं और कोई अजीब सी क्रीचर उसे बार बार दिखती है। इसके बाद शाम को साइलेंट का मेयर लेन और उसकी टीम को थैंक्स कहने के लिए अपने घर पर पार्टी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम व्यूअर्स बेल को भी देखते हैं जो कि अकेला बैठा होता है। तभी उसके पास लेन आता है। बेल उसे बताता है कि उसे सपने में कई सारी चींटियां दिखाई देती हैं, साथ ही एक अजीब सा क्रीचर भी दिखता है। वहीं लेन को बेल की बात समझ नहीं आ रही होती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बेल लेन से कहता है कि कुछ भी नॉर्मल नहीं है, जिस तरह से चींटियों ने हम पर अटैक किया वो सब चींटियों का पहले से ही प्लान था हम लोगों को फंसाने का। चींटियां दिन पे दिन समझदार होती जा रही हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कमांडर चेंग को अपने इंटेलिजेंस से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चींटियां वापस आ गई हैं और इस बार वो बहुत ज्यादा हैं, कम से कम पहले से 3 गुनी तादाद। ये सुनकर लेन और लिली चौंक जाते हैं क्योंकि चींटियों का झुंड एक ही जगह पर वापस कभी अटैक नहीं करता है। फिर लेन अपने एक फ्रेंड क्लेयर जो कि एंट एक्सपर्ट है उसे कॉल करता है। लेन क्लेयर को यहाँ की सिचुएशन बताता है
और जल्दी से यहाँ आने को कहता है। नेक्स्ट सीन में क्लेयर यहाँ पहुँच गई होती है और लेन उसे एयरपोर्ट से पिक करने जाता है। रास्ते में लेन क्लेयर को चींटियों के बारे में बताता है कि चींटियाँ बहुत समझदार हो गई हैं, वो लड़ने में माहिर है। वहीं लेन क्लेयर को कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है। पिक्चर देखकर क्लेयर भी ये समझ जाती है कि कुछ तो चक्कर है। इसके बाद ये बेस कैंप में पहुँच जाते हैं। यहाँ भी लोगों में हड़कंप मचा होता है क्योंकि चींटियाँ यहाँ भी पहुँच गई होती हैं। वहीं ये नजारा देखकर क्लेयर बहुत घबरा जाती है, उसे इस जगह पर गड़बड़ लगती है। दूसरी तरफ बेल और चार्ल्स ने वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी होती है जिसे चींटियाँ अब क्रॉस नहीं कर सकती हैं। फिर कमांडर चेंग लेन और क्लेयर को बताते हैं कि चींटियों ने अगर नदी को पार कर लिया तो हमें इस आइलैंड को खाली करना पड़ेगा। इसके बाद कमांडर चेंग और लेन क्लेयर को कुछ चींटियों के सैंपल दिखाती हैं जिसमें कई प्रजातियों की चींटियां एक साथ रह रही होती हैं। ये देखकर क्लेयर शॉक हो जाती है क्योंकि अलग अलग प्रजातियों की चींटियां एक साथ नहीं रह सकती। इसके बाद लेन नदी के किनारे पर फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी टीम तैयार करने लगता है। फिर लेन क्लेयर और रेस्क्यू टीम उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू करने लगते हैं। वहीं क्लेयर को वहां पर एक बड़ा पत्थर दिखता है जिसमें होल होता है। वहीं क्लेयर उस होल में से झांकने लगती है तभी अचानक से चींटियों का झुंड क्लेयर पर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले चींटियां क्लेयर को दबोच पाती सही टाइम पर लेन चींटियों को उड़ा देता है। तभी क्लेयर ये देखती है कि चींटियों ने एक छोटी बच्ची को घेर लिया है, वो उस पर अटैक कर रही है। क्लेयर जल्दी से वहां पर आकर चींटियों को किसी तरह से मार देती है और फिर ये उस छोटी बच्ची को बचाकर नदी की तरफ भागते हैं। वहीं चींटियां इनका पीछा कर रही होती हैं लेकिन इससे पहले वो इन्हें दबोच पाती ये नाव में बैठकर पानी में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बेल और चार्ल्स एक वुडन फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। चींटियां भी उनका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाती हैं। चींटियां एकदम से इन पर अटैक कर देती हैं। बेल फौरन ही अपनी खास गन से चींटियों को मारने लगता है लेकिन इससे पहले ही चींटियां चार्ल्स के शूट को फाड़कर उसे मार देती। ये देखकर बेल को बहुत गुस्सा आता है और वो उन चींटियों से बदला लेना चाहता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि बेस कैंप पर भी चींटियों ने अटैक कर दिया है, वो लिली के कैंप तक पहुंच गई होती हैं। ये देखकर लिली फौरन ही बेस कैंप छोड़कर वहां से भाग जाती है। सही टाइम पर मिलिट्री भी वहां पर आ जाती है और उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेन और क्लेयर को दिखाते हैं जो कि पानी में फंस चुके हैं। तभी चींटियां टेंटिकल्स का शेप लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर लेन को लगता है कि चींटियां उसे कुछ बताना चाहती हैं और वो उन पर शूट नहीं करता। वहीं चींटियां उनकी नाव को खींचकर नदी के किनारे ले आती हैं और उन्हें गुफा की तरफ जाने का रास्ता दिखाती हैं। अब ये उस रास्ते को फॉलो करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि ये देखते हैं कि चींटियों ने कम्युनिकेशन के लिए एक कंप्यूटर के स्ट्रक्चर सा कुछ बना रखा होता है। फिर चींटियों का झुंड इन्हें अलग अलग शेप बनाकर कुछ बताने की कोशिश करता है जो इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता। तभी वो छोटी लड़की जो इनके साथ होती है वो इन्हें बताती है कि चींटियां आइलैंड का स्ट्रक्चर बनाकर बता रही हैं। इससे लेन के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और उसे समझ आता है कि चींटियां इनसे आइलैंड को खाली करने के लिए कह रही हैं, उन्हें ये आइलैंड चाहिए। इसके बाद चींटियां उस छोटी बच्ची को अपने पास होस्टेज बना लेती हैं, क्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। लेन ये समझ जाता है कि चींटियां इनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में लेन और क्लेयर वापस से बेस कैंप में आ जाते हैं। वो कमांडर चेंग और मेयर को सब कुछ बता देते हैं जो भी बातचीत इनके और चींटियों के बीच में हुई। लेन बताता है कि चींटियों का कुछ तो सीन है, उनके पास खुद का कंप्यूटर है, वो बहुत स्मार्ट है। चींटियां हमें नेगोशिएट करना चाहती हैं, वो इस आइलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। इस पर मेयर साफ मना कर देता है, ये कहते हुए चींटियां पहले ही आइलैंड को बहुत बर्बाद कर चुकी हैं और अब हम इन्हें ये करने नहीं देंगे। तभी वहां पर बेल जाता है, वो कहता है कि हमें चींटियों को बम से उड़ा देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। ये सुनकर लेन मना करता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि चींटियों ने एक छोटी बच्ची को अपने पास कैद करके रखा हुआ है। तभी मेयर लेन से कहता है कि अगर ऐसा है तो हम चींटियों को आइलैंड का वेस्ट साइड का एक हिस्सा दे सकते हैं, बशर्ते चींटियां फाइट बंद कर दें तो। इसके साथ ही मेयर लेन और क्लेयर को मॉर्निंग तक का टाइम देता है कि अगर वो चींटियों के साथ नेगोशिएट कर पाए तो सही है, नहीं तो हम चींटियों को बम से उड़ा देंगे। इसके बाद क्लेयर, लिली, लेन और बेल एक साथ बैठ जाते हैं। बेल लेन से कहता है कि चींटियों ने हमें कई बार फंसा कर हम पर अटैक किया है, इस भसड़ के चक्कर में हमारे दो काबिल दोस्तों की जान तक चली गई है और अब हम रिस्क नहीं ले सकते। साथ ही साथ इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि चींटियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं और हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। आगे के सीन में लिली और क्लेयर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रजातियों की चींटियां एक साथ रहकर आपस में जुड़ जाती हैं और अटैक करती हैं। वहीं लिली एक केमिकल फॉर्मूला बनाने में कामयाब हो जाती है जिससे चींटियों को अलग अलग करके उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लेन
ब्रेन क्लियर और बेल उस गुफा पर जाने के लिए वोट से निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद ये उस गुफा पर पहुंच जाते हैं। बेल एविडेंस के लिए चींटियों की पिक्चर्स बना लेता है और वो बहुत शॉक्ड होता है। वहीं चींटियों ने उस छोटी बच्ची को कैद करके रखा होता है और इन लोगों के आते ही वो उस छोटी बच्ची को छोड़ देते हैं। फिर चींटियां कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। वहीं लेन भी उन स्ट्रक्चर्स को जमीन पर बनाकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ बिल के दिमाग में जो चींटी घुसी होती है वो उसे बार बार काट रही होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। वो लेन और क्लियर को बाहर जाने को कहता है। इस पर लेन कहता है कि हम अभी भी चींटियों के साथ निगोशिएट कर रहे हैं। तभी बिल का दिमाग खराब हो जाता है और वो इन्हें शर्ट की बटन खोलकर टाइम बॉम्ब दिखाता है। वो इन्हें फौरन ही बच्ची को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाने को कहता है और 3 मिनट तक का टाइम सेट कर देता है। ये देखकर चींटियां इनके मूव्स को समझ जाती हैं और इन पर अटैक कर देती हैं। तभी बहुत सारी चींटियां मिलकर मॉन्स्टर चींटी का सेप बना लेती हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर फौरन ही क्लियर लिली के केमिकल फॉर्मूले को उस मॉन्स्टर चींटी पर फेंक देती है, जिससे चींटियां अलग अलग हो जाती हैं। वहीं मौके का फायदा उठाकर लेन और क्लियर उस छोटी बच्ची को लेकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ बेल को चींटियों ने काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया होता है और बेल होश में आता है और उस गुफा से बाहर आने लगता है। तभी पीछे से मॉन्स्टर चींटी भी इनकी तरफ आ जाती है। ये देखकर बेल उस मॉन्स्टर चींटी की तरफ बढ़ने लगता है और तब तक 3 मिनट भी पूरे हो जाते हैं और बम फट जाता है। इस ब्लास्ट में चींटियां खत्म हो जाती हैं और साथ ही बेल भी मारा जाता है। और अब ये दिखाते हैं कि एक एलियन एंटिटी जो कि चींटियों को कंट्रोल कर रही थी वो उस गुफा से बाहर आसमान से स्पेस में चली जाती है। आगे के सीन में लोग फिर से आइलैंड में आकर रहने लगते हैं। लोगों की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में उसी गुफा को दिखाते हैं जहां पर चींटियां अभी भी जिंदा होती हैं और इस बार वो कुछ बड़ा प्लान कर रही होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप गाइस आप लोगों को हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। आई लव यू।